नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ हम इस समय आ पहुंचे हैं चिरहुला में, यहां पर पीएम आवास बनाए गए हैं और यहीं पर कोविड से संक्रमित मरीजों को रखा गया। मैं आपको जानकारी दे दूं, इस समय यहां 118 से ज़्यादा मरीज 128 मरीज यहां पर उपलब्ध हैं। यहां पर लगातार उन मरीजों की देखभाल करने वाली टीम हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे किस तरीके की यहां पर कठिनाइयां आ रही हैं और किस तरीके से वो संक्रमित मरीजों की देखभाल करें। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल, 100 से ज़्यादा मरीजों की देखभाल किस तरीके से आप कर रहे हैं? ये अपना जिला कोविड केयर सेंटर बना हुआ है चिरावला कॉलोनी में, पीएम आवास में। यहाँ पे हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने, हमारे माननीय सीएमओ साहब ने एक पूरे बिल्डिंग में और उनके रोकने की व्यवस्था की है, कोविड मरीजों के रोकने की व्यवस्था की है। यहाँ पे शुरू में तो कम मरीज थे, लेकिन इस समय अब ज़्यादा, पिछले 2 हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही पेशेंट आ रहे हैं और उनकी भर्ती, उनकी पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, उनके पूरे रहने की व्यवस्था है, उनके पूरे खाने पीने की व्यवस्था है। और किस तरीके से आप लोग की दिनचर्या प्रभावित हो रही है, पहले तो आप अपनी दिनचर्या बताइए कैसे प्रभावित हो रही है? दिनचर्या क्या, सुबह से चालू हो जाती है। सुबह उठते ही यहाँ पे चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था है, फिर उसके बाद 9-10 बजे करीब काढ़ा की उनका सेवन करवाया जाता है और 12:30-1 बजे फिर उनका लंच आता है, वो उनको दिया जाता है। फिर शाम को 4-5 की भी चाय बिस्किट्स आते हैं और उसके साथ रात में फिर लंच खाने की व्यवस्था है। इस बीच हमारी टीम रहती है सुबह से, उनका स्क्रीनिंग चार्टिंग ये लेती है, सबकी हाल चाल पूछती है, किसी कोई समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसका उपचार करती है। और ये जांच का रूटीन दिन में 3 बार होता है, सुबह शाम को रात को। और इसी बीच हमारे जो पेशेंट हैं जो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उनको यहाँ से रिफ़र करने की। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से यहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट हैं तो उन पर मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? बड़ा सवाल लोगों की बड़ी उत्सुकता की, मॉनिटरिंग कैसे होती है? मॉनिटरिंग हमारी टीम है, समय समय पर जाती है, हमारे पास सुविधा उत्पन्न है, हमारे पास उन सबके मोबाइल नंबर हैं, एक एक सबका, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, वीडियो कॉल होता है उससे बात करते हैं, वे मोबाइल नंबर है जिससे उससे कांटेक्ट करते रहते हैं, जो भी होती समस्या उनके पास जाके उनके पूछ के उनके हाल चाल लेके वो मुहैया कराते हैं जो भी उनका परेशान चाहिए। और इसी बीच हमारे जो सीएमओ साहब हैं वो हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं, आए दिन आते रहते हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि आप एक तरफ से यहाँ पर संक्रमित मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने घर भी जाते हैं, कि दोनों के बीच में किस तरीके से सामंजस्य आप बैठाते हैं? वो तो करना ही पड़ता है, हो जाता है समय समय पे, करना पड़ता हो जाता है, निश्चित रूप से करना पड़ता है, एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि डॉक्टर हैं इसलिए कर रहे हैं। एक ये बताइए, आपको अंदर जाने से डर नहीं लगता? नहीं, अंदर हम लोग नहीं जाते हैं। अंदर कौन सी टीम जाती है? अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्चुअली हम पीपी की पहन के बाहर से ही पेशेंट को एक एक करके बुला के सारा काम अपन करते हैं एक एक करके। तो जिस तरीके से मैडम एक मिनट, देखिए इसी दौरान एक यहाँ पर मैडम जा रही है अंदर, लोग जो भी मरीज वहाँ पर हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी। किस तरीके से क्या क्या करने आप अंदर जा रही हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। सर, हम लोग सबसे पहले उन लोगों का टेम्परेचर लेते हैं, सारे पेशेंट का टेम्परेचर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीमीटर लेते हैं, उनकी ऑक्सीजन और पल्स रेट चेक किया जाता है। जिनकी ऑक्सीजन अगर कम होती है तो उनको हम DHCCHC में रिफ़र कर देते हैं, उनको अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है या ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो उनको DHCCHC में रिफ़र कर देते हैं। बाकी इसके अलावा पेशेंट का खान पान, खाना, मेडिसिन वगैरह सब चीज़ों की पूरी व्यवस्था की जा रही है। एक यहाँ पर सवाल मैं अक्सर कई लोगों से पूछता रहता हूँ, जैसा कि आप अंदर जा रही, अंदर 118 से ज़्यादा पेशेंट इस समय मौजूद हैं, उस स्थिति में क्या आपको डर नहीं लगता और किस तरीके से, क्या कोई झिझक नहीं है, आपको लगता है कि है तो हमारा काम इसे हमें करना ही है? हाँ सर, ये हम लोगों का काम है, हम लोग तो यहाँ पे कोविड वाले पेशेंटों की व्यवस्था करने के लिए ही हैं, उन लोगों को ठीक करने के लिए ही हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई। क्या नाम है हमारे दर्शकों को, आप अपना नाम बताइए। मेरा डॉक्टर शशि प्रभा ध्रुवे।
डॉक्टर साहब, एक जैसे कि जो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे, उनको आप क्या संदेश देंगी, रीवा की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग, अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन अनलॉक हो गया था, आप लोग बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे जब लॉकडाउन लगा था। हम सभी दर्शकों को यही कहना चाहते हैं, घर में सुरक्षित रहें, बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी काम है तो ही निकले आप लोग। निश्चित रूप से जिस तरीके से डॉक्टर शशि प्रभा ने साफ तौर से बताया, हमारा काम सेवा भाव का है, जिम्मेदारी है, हम तो करना ही है और हम ईमानदारी से अपना काम करें। साथ ही दर्शकों को एक मैसेज भी दिया, अपने घर पर रहिए, अपना और अपने परिवार का भरपूर ख्याल करिए, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।